दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम जानेंगे विधि से संबंधित अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन कहता है भारतीय कानून प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी कानून प्रणालियों में से एक है। फैक्ट नंबर टू भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फैक्ट नंबर थ्री द इंडियन लीगल सिस्टम इज अ कॉमन लॉ सिस्टम जिसका अर्थ है कि यह अदालतों द्वारा स्थापित प्राथमिकताओं पर आधारित है। फैक्ट नंबर फोर देयर इज अ फेडरल सिस्टम इन इंडिया जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों में कानून बनाने की शक्ति है। फैक्ट नंबर फाइव द इंडियन पिनल कोड विच इज द मेन क्रिमिनल कोड इन इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन 1860 एंड इज स्टिल इन यूज टुडे आज भी लगातार 1860 की दंड संहिता का उपयोग किया जा रहा है। फैक्ट नंबर सिक्स भारत एक ऐसा देश है जहां व्यक्तिगत कानून जैसे हिंदू विधि मुस्लिम विधि ईसाई विधि और उनके अनुसार विवाह तलाक विरासत एवं अन्य मामलों को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों फैक्ट नंबर सेवन भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्याय प्रणाली है। यह भारत के संविधान की व्याख्या करना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मामलों को नियंत्रित एवं सुलझाने का काम करता है। फैक्ट नंबर एट सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना जो नागरिकों को सरकारी निकायों गवर्नमेंट बॉडीज से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। दोस्तों फैक्ट नंबर नाइन कहता है भारत भी उन गिने चुने देशों में से एक है जहां जानवरों के लिए भी एक अलग से कानून है जो जानवरों से क्रूरता को रोकता है। नंबर 10 कहता है भारतीय न्यायपालिका प्रणाली में अदालतों का एक अद्वितीय पदानुक्रम हायरार्की है। स्तर पर जिला न्यायालय फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को रखा गया है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें क्योंकि अब से आपको लॉ से संबंधित अमेजिंग फैक्ट मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।